मेरे प्रिय वडोदरा के भाई बहन, इस दिन मुझे बहुत ही एक हर्ष के साथ घोषणा करनी है। आप तो सब हमें, मैं भरत मोदी, हमारे टीम के दूसरे सदस्य डॉक्टर क्षितिज मोदी, और आप जानते आए हैं कि वेलकेयर हॉस्पिटल हड्डियों और जोड़ों के रोगों में माहिर है और देश विदेश में हमारी ये विशेषज्ञता की जो कुशलता है उसके बारे में देश विदेश में मान मिला है हमको। अब ये हमें घोषणा करनी है, पहले तो आपको समझाना है कि ऑर्थोपेडिक सर्जरी एक ऐसी विस्तृत विषय अब बन चुका है कि कोई व्यक्ति पूरी ऑर्थोपेडिक्स के ऊपर सर कर सके और उसकी पूरी विशेषज्ञता खुद के लिए पा सके, ये नामुमकिन है। तो अब समय ऐसा आ गया है कि ऑर्थोपेडिक्स में भी हम अलग अलग विभाग बन गए हैं और हर एक विभाग के कोई ना कोई व्यक्ति अपना ध्यान देके अर्जुन की आंख लेता है, लेकर फिर बैठता है और उसमें वो माहिर बनता है। तो इसी संदर्भ में हमारी जो वेलकेयर हॉस्पिटल की यात्रा रही है कि हड्डी और जोड़ों के विषय पर हम पूरी हर पहलू जो है ये विषय का उसको हम कवर करना चाहते हैं और वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कुशलता के साथ। तो इसी यात्रा में मैं हर्ष के साथ आपको आज इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ हमारे नए जुड़े हुए टीम के सदस्य हैं डॉक्टर विनोद दुबे। माय प्लेजर। विनोद जी बहुत ही कुशल और बहुत ही उद्यमी यंग ऑर्थोपेडिक सर्जन है, अगली पीढ़ी जो भी है उसके। और मैं हृदय से बता रहा हूँ आपको कि विनोद जी ने जो अपनी तालीम ली वो खुद ही फिर बताएंगे कहाँ पर तालीम ली, और उन्होंने अर्जुन की आंख लेके अब बैठे हैं कि सिर्फ बाल रोगों यानी कि पीडियाट्रिक्स, बच्चों के हड्डी और जोड़ों के विषय पर वो काम कर अभी तक करते आए हैं और आगे जाके करना चाहते हैं। समाज में बच्चों के जो रोग है, पीड़ित है, वो एक अलग पहलू होता है। ये जो हम पुख्त वय के लोगों की जो एक संजोग होते हैं वैसे वो नहीं होते हैं, बच्चों में एक अलग तरह से उसको समझना जरूरी रहता है। खुद विनोद जी ही समझाएंगे, और अगर आप में से किसी को लगे कि इस पर ज्यादा जानना है तो आप जरूर हमें संपर्क फिर कर सकते हैं वेलकेयर हॉस्पिटल पर। विनोद जी अगर आप थोड़ा समझाएं। अभी तक हमने क्या देखा है कि जो भी बीमारियां होती है वो हमें लगता है कि एक ही डॉक्टर हड्डी के सारी बीमारियों को ट्रीट कर सकता है। जैसे सर ने बताया अभी आपने कि अभी ऑर्थोपेडिक में भी अलग अलग स्पेशलिटी आ चुकी है, जैसे कि जॉइंट के लिए सर, तो सर को आप जानते ही हैं, फिर स्पाइन के लिए अलग है, फिर बच्चों की बीमारी के लिए अलग डिपार्टमेंट है, उसको बोलते हैं पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक। जो बच्चे पैदा होने से लेके 18 वर्ष तक उनको जो बीमारी होती है वो एडल्ट से थोड़ा अलग होता है। बच्चों में क्या होता है, बच्चों का हड्डी बढ़ रहा है हर साल, हर दर महीने उनकी हड्डी बढ़ रही है, उनको जन्म से कुछ बीमारियाँ होती हैं हड्डी में जो सब लोग को इसके बारे में पता नहीं होता है, जिसको समय रहते अगर पता चल जाए उसका इलाज कर दे वो बच्चा नॉर्मल पैदा, नॉर्मल जैसे होते हैं लोग उस तरह से अपनी जिंदगी व्यतीत कर सकता है। विनोद, ये कौन से 4-5 अगर अलग अलग हमें आप उदाहरण के तौर पे अगर 4 या 5 नाम दे लोगों का कि जो सामान्य रूप से बच्चों में होता है और जो ध्यान से बाहर निकल जाते हैं। जैसे कि कोई जेनेटिक बीमारी है, बच्चा पैदा होगा उसको बोलते हैं ऑस्टियोसिस इम्परफेक्टा, जो हड्डी कमजोर है वो माँ बाप को मालूम नहीं पड़ता है, जब तक कि बच्चा 7-8 साल का नहीं होता है, उसको फ्रैक्चर वगैरह नहीं होते हैं तब तक मालूम नहीं पड़ता है। वो अगर हम 1-2 साल में ही मालूम पड़ जाए, उसका इलाज चालू कर दे, वो बच्चा नॉर्मल जिंदगी अपनी जी सकता है। हाँ। दूसरा होता है जॉइंट से डिस्प्लेसिया हो गया, ये जो हिप जॉइंट है वो कभी कभी बाहर निकल जाता है या फिर डेवलपमेंट बराबर से नहीं होता है, उसका आकार ठीक से नहीं बनता, ठीक से नहीं बनता है, और वो जब छोटा होता है तो खुद को दर्द होता है कि दर्द भी नहीं होता है। अच्छा, ये खास करके ये ध्यान रखना जरूरी है कि बच्चों के ये किस प्रकार की जो समस्या है उसमें दर्द नहीं होता है, और दर्द न होने के कारण खुद बच्चे हैं तो बोल भी नहीं पाते। वो अगर छूट गया तो बच्चे को बड़े होके उनके बहुत दर्द होगा, उनको चलने फिरने में तकलीफ होगी, इसका बहुत ही कठिन रिजल्ट होता है। तो इसके निदान के लिए सामान्य रूप से क्या करना पड़ता है? इसका निदान अगर जन्म रहते ही मालूम पड़ गया, बहुत ही सरल तरीके से हम इसको इलाज कर सकते हैं, बेल्ट वगैरह पहना सकते हैं,
एक साल के अंदर मालूम पड़ेगा तो प्लास्टर वगैरह लगा सकते हैं। तो कोई बहुत बड़ी टेस्ट करनी पड़ती है या कुछ खाली एक्सरे और इलाज? आपका जो जांच मींस एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन से मालूम पड़ जाता है, और सिंपल एक्सरे, सिंपल एक्सरे से मालूम पड़ जाता है। तो ये एक बहुत ही अहमियत वाला संदेश आप दे रहे हैं समाज को कि छोटे बच्चों के सामान्य रूप से आप सिर्फ पीडियाट्रिशियन के पास तो हर माँ ले जाती है, लेकिन पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास भी अगर आप ले जाएं तो, मैं सही बोल रहा हूँ क्या, कि आप जैसे व्यक्ति के पास अगर वो छोटे बच्चे आके एक बार जांच करवा ले तो नॉर्मल है तो फिर निश्चिंत है। हाँ। और अगर कुछ पकड़ लिया तो शुरू से इलाज सारा तरीके से हो सकता है। बहुत बढ़िया। और मैं बताना चाहता हूँ कि हिप डिस्प्लेशिया के ऊपर पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी संगठनाएं हैं जो काम कर रही हैं, जिसके लिए मतलब वो जन्म से ही उनका स्क्रीनिंग चलता है, जैसे कि जर्मनी हो गया, अच्छा। स्वीडन हो गया, यूएसए हो गया, यहाँ पे हाई रिस्क में स्क्रीनिंग बचपन से ही होता है। ओ, तो ये देशों में सरकार ने ही व्यवस्था खड़ी सरकार है कि हर एक बच्चा एक पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास तहत जांच शुरुआत में स्क्रीनिंग ले जाएगा, और वहां पर अगर कुछ होता है तो वो इलाज तुरंत चालू कर देते हैं। तो विनोद, आप हमें ये बताइए, हम तो एक हमारी जिंदगी की यात्रा तो काफी आगे बढ़ी, और मैं आपकी पीढ़ी के यंग सर्जन के पास से क्या उम्मीद रख सकता हूँ? सरकार ने तो अपने यहाँ पर ये ऐसा कोई स्क्रीनिंग प्रोग्राम तय किया नहीं है। माँ बाप को और हर वर्ग, आर्थिक रीत से भारत में वर्ग ऐसे वर्ग भी हैं कि जिनको डॉक्टर के पास जाने में झिझकते हैं क्योंकि वो कंसल्टेशन के खर्चे वगैरह, तो आप अपनी ओर से समाज को क्या पेश कर सकते हैं? कि मैं इतना कर सकता हूँ कि आप हमारे पास आइए लल केयर में, मैं आपका, अगर आपको चेकअप कराना है, अगर आपको डाउट है कि मेरे बच्चे को है नहीं है, आप आइए, हम निःशुल्क इलाज कर सकते हैं, मैं चेक कर सकता हूँ और आपको एडवाइस दे सकता हूँ कि आगे क्या करना है, आगे की क्या मार्गदर्शन कर सकता हूँ मैं आपका। नो, थैंक यू। मैं यही उम्मीद रखता था आप जैसे यंगस्टर से, अगर आप अपनी ज्ञान निःशुल्क समाज को परोसेंगे तो मैं आपको वादा देता हूँ कि वेलकेयर का प्लेटफॉर्म, एक्सरे जैसी चीजें जहाँ ठोस खर्चा होता है वो भी हम निशुल्क आपके कैंप में मदद देंगे। तो जो भी माँ बाप को जन्म से लेके 18 साल की वय के बच्चों के लिए मन में थोड़ी भी चिंता अगर पैदा हुई हो, या अगर मैं तो बोलता हूँ कि चिंता नहीं है, फिर भी आप एक बार हमारे यहाँ पर पधार सकते हैं। बुधवार को, हर हफ्ते के बुधवार को 12 से 2 बजे के बीच में आप डॉक्टर विनोद दुबे का नाम देके वेलकेयर हॉस्पिटल में अगर अपॉइंटमेंट अर्ज करवाएंगे तो आपकी निशुल्क, मनोज, अरे विनोद जी निशुल्क आपको देखेंगे, जांच करेंगे, और हमारी वेलकेयर की ओर से निशुल्क एक्सरे वगैरह आपको करके देंगे हम। तो इसका अगर आपको फायदा लेना हो तो ये हमारे लिए हर्ष की बात है। इसी संदेश के साथ विनोद, एक और चीज है, अगर हिप डिस्प्लेशिया नहीं है, कुछ और भी अगर आपको, हाँ हाँ, ये तो एक उदाहरण के तौर पे है, और अगर विनोद ने बताया, लेकिन ऐसे तो बहुत सारे, हम ये भी कह करने आगे बढ़ने वाले हैं कि हम विनोद जी को ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आजकल अब वेबिनार का एक बहुत हमने जोरदार समाज में देखा कि कितना पावरफुल मीडिया है ये एजुकेशन यानी कि ज्ञान देने के लिए, तो हम अब से आप हमारे वेलकेयर के अनाउंसमेंट्स को ध्यान में रखेंगे, हम आधे आधे घंटे के सामान्य व्यक्ति समझ सके वैसे टीचिंग प्रोग्राम भी चालू करेंगे ताकि माँ बाप को शुरुआत से समझ में आ जाए कि भाई स्कोलियोसिस, हिप डिस्प्लाजिया, पर्थीस डिजीज, कोई इन्फेक्शन है जो मालूम नहीं पड़ता है, हाँ, अगर उसको हम पता कर ले, कोई इलाज कर दे तो आगे चलते कोई बीमारी नहीं होगी। वंडरफुल। तो उसको फिर मान जाता हूँ आपकी बात कि बहुत सारे ऐसे रोग हैं कि जो ध्यान में नहीं आते हैं, तो आप जरूर पधारे वेलकेयर के द्वार पे और हम लोग आपको मदद करेंगे। इसी घोषणा के साथ आप सबको कोविड के समय में जरा भी अपनी जो सचेतता है उसको कम किए बिना आगे का महीना 2 महीने निकालने हैं देश और समाज को, इसी ध्यान को रखते हुए, शिष्ट को ध्यान को रखते हुए आप सबको शुभकामनाएं कि आप हिफाजत है। नमस्ते।